सलमान खान के पास दौलत है तो उसकी वजह है दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार के पास दौलत घट रही है तो उसकी वजह है सलमान खान। सलमान के दौलतमंद बनने की दूसरी कहानी सलमान की जुबानी। सलमान के दौलतमंद बनने की कहानी नंबर दो। ये वो कहानी है जिसने सलमान को दौलतमंद बना दिया और दिलीप कुमार का दीवाला निकाल दिया। ये बात उन दिनों की है जब सलमान खान अपनी फिल्म मैंने प्यार किया के ऑडिशन के लिए जा रहे थे। यहीं से शुरू होती है सलमान खान के दौलतमंद बनने की कहानी। पहले ऑडिशन के लिए जाते वक्त सलमान खान की मुलाकात हो गई दिलीप कुमार साहब से। दिलीप कुमार ने सलमान खान को एक पर्स और एक रुपए का एक सिक्का दिया और कहा, जाओ दौलत कमाओ। बस उसके बाद दौलत का दरिया सलमान के दर पर था। सुनिए सलमान की जबानी ये कहानी। मेरे अंकल हैं दिलीप अंकल। मैंने प्यार किया कि ऑडिशन के लिए जा रहा था तो लग रहा था कि कुछ होगा लाइफ में, नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे उनका एक वॉलेट दिया और एक कॉइन दी मुझे, और दैट डे आई साइन मैंने प्यार किया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, और उनका कुछ उसके बाद इतना अच्छा नहीं चला, बट ही इज हैप्पी दैट आई मेड इट। बतौर आशीर्वाद दिलीप कुमार का वो पर्स वाकई जादुई निकला। सलमान ने उसे एक पल के लिए भी अपने से कभी अलग नहीं किया, लेकिन सालों के बाद जब वो पर्स फट गया तो सलमान फिर दिलीप कुमार के पास गए तो दिलीप कुमार ने हाथ खड़े कर दिए, कहा जीने के लिए मुझे भी कुछ दौलत की जरूरत है। और वो वॉलेट को मैं इतना यूज करता था कि वॉलेट फट गया, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये डाउनफॉल शुरू हुआ मेरा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया एक और वॉलेट दे दो, उन्होंने डिनाई कर दिया। इससे नीचे कहां लेके जा रहे मुझे। सलमान के दौलतमंद बनने की कहानी नंबर तीन। दिलीप कुमार ने सलमान खान को जो लक्की सिक्का दिया था, एक बार सलमान ने उसे एक भिखारी को तरस खाकर दे दिया। भिखारी को सिक्का देते वक्त सलमान का दिल देखिए। सलमान की सोच ये थी कि जिस सिक्के ने उनकी तकदीर बदल दी है, शायद वो सिक्का इस भिखारी के भी सारे दुख को दूर कर दे। वो एक रुपए का कॉइन मैंने अपने डैशबोर्ड पे रखा, तो डैशबोर्ड पे रखा था तो मुझे एक बैगर रस्ते पे मिला, उसमें बस कुछ था नहीं उसको देने के लिए। तो आई सेड ये मैं एक रुपए का कॉइन दे देता हूँ उसको। इट हैज चेंज माई होल लाइफ, इट हैज चेंज माई डेस्टिनी, एंड आई विल गिव इट टू हिम। लगता है भगवान सलमान के दिल का इम्तिहान ले रहे थे। उस दौर में सलमान की फिल्में पिट रही थी। भिखारी ने सलमान को देखा और सलमान को वो सिक्का लौटाते हुए कहा कि इस वक्त इस सिक्के की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। तो बहुत वो सिग्नल पर रुका हुआ था, ट्रैफिक जाम था, तो बहुत सोचा कि दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। इवेंचुअली रियलाइज के दे देता हूं यार, व्हाई एम बीइंग सो सेल्फिश, लेट्स सी, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस सुपरस्टिशन। तो मैंने उसको वो एक रुपए का कॉइन दिया, उसने मुझे वापस दे दिया, साहब लगता है आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। ये सलमान की दरिया दिली नहीं तो और क्या है। अपनी सबसे प्यारी चीज को लुटाने पर भी वो आमादा रहे। सलमान के पास दिल की दौलत है, शायद इसीलिए तकदीर ने उन्हें दौलतमंद बनाने में कभी कोई कमी नहीं की। मुंबई से राजमा शेट्टी के साथ आज तक ब्यूरो।